लड़ाई से व्लॉग खत्म किया था, लड़ाई से ही व्लॉग इनका स्टार्ट हो गया था। गाइस इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं होती, केक कटिंग कर लिया था और सब कुछ होने के बाद इनको बस लड़ाई स्टार्ट ही हो गया। नेक्स्ट डे गाइस आज शॉप ओपन करते ही एक ऑर्डर आ गया था, फूल ऑर्डर यानी नाश्ते ब्रेकफास्ट का पोहा। तो वो बोले इतनी रिक्वेस्ट की गाइस उन्होंने, मैं बना नहीं रही थी, बोले पोहा बना दीजिए। मैंने बोला मैं नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास कोई बच्चे भी नहीं बैठने वाले शॉप पर और ना ही कोई बड़ा, और मैं ऊपर सामान रखा यानी पोहा तेल वगैरह था, बर्तन नीचे थे मेरे। फिर उन्होंने बोला मैं आपकी शॉप का ध्यान रख लूँगा, प्लीज़ आप बना दीजिए क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है। और आपके यहाँ पहले पोहा खा के गए तो वो बड़ा ही टेस्टी था। तो फिर मैंने चलो इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैंने मतलब साफ ही मना कर दिया, मैंने कहा यार एक घंटा लगेगा, मैंने झूठ मूठ बोल दिया। बोला नहीं आंटी कोई बात नहीं आप बना के लिए। तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा तरस आ गया, मैंने चलो बना ही देते हैं। उसके बाद मैंने बनाया, पर आई सभी सो रहे थे लेकिन सडनली कस्टमर ने मना कर दिया, बताया साफ साफ बोल दिया मैंने भैया फूड ऑर्डर है कोई मना नहीं होगा। तो फिर उसने बेचारे ने लेके ही चला गया। उसके बाद हो गया गाइस बहुत देर हो गई थी, मैं इमरान जी आ गए थे शॉप पर बाज़ार, यानी आज था इमरान जी का बर्थडे आपको पता ही है, फिर पिछला ब्लॉग मैंने डाला था। तो ये चले गए हम घर, तो मैंने छोटा सा सरप्राइज मेरे लिए था, उनके लिए भी यही सरप्राइज था क्योंकि अपने घर से बहुत खुश थे अपने मम्मी पापा के पास, हर कोई इंसान लेना चाहता है गाइस। ओफो ये क्या हुआ, सब जगह फंगस आने लग गई है। दे देंगे। कैसे? बड़ा अम्मा क्या कर रहा है, कपड़े सिलाई दर्जन यहाँ की पुराने व्लॉग देख रही है क्या? तो गाइस यहाँ हमारा पुराना व्लॉग चल रहा है, तो गाइस ये देखिए मेरे रूम का क्या हाल हुआ, फंगस तक आ गई इस रूम में, पड़ोसी ने क्या घर बनाया। ये देखिए पूरा रूम गीला गच। तो अभी मैं फिलहाल ना कराती फिर मिलती हूँ आपसे, फिर हम आपको। तो गाइस ना दो के आ गई मैं रेडी होके, रेडी किया पूरा नहीं सूट पहन रखा मेरे पास गाइस, कपड़े ही नहीं हस्बैंड के बर्थडे में कपड़े ही पहनने वाले, लेकिन फिर भी मैं कुकिंग करूँगी तो इतनी गर्मी होगी तो मुझे ऐसा लगा मुझे यही पहनना है, सिर्फ होंगे भी तो मुझे नहीं पहनने क्योंकि शायद केक कटिंग होगा नहीं, केक तो काट ही लिया था फिर, लेकिन मैं इमरान जी का बर्थडे बनाने आ गई इनके ही घर में इनकी अम्मी पापा के पास, ये बहुत खुश रहते हैं कुछ, ये मेरी बात सारी मान लेते। मैंने सोचा मैं भी इनकी आज पूरी छोटी मोटी जो भी खुशी है वो पूरी कर देती हूँ, ये हमेशा बोलते हैं घर चले। मैंने सोचा आज पूरा दिन इनके साथ घर पे ही बिताएंगे, तभी वो सो रहे हैं। आज छुट्टी भी ले रही, उन्हें ऑफ कर लिया, छुट्टी तो कह लिया इस 4 बजे तो हम फ्री हुए, सामान लेके मतलब जो भी लेना था बिरयानी का जो भी छोटी मोटी जो आइटम थे वो भी मेरे साथ ही थे। तो 4 बजे में थोड़ा सा रेस्ट करके सो गई, तो मैंने चलो सरप्राइज दे दिया, मैं पहले मना कर रही थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो यही था मेरा आज का सरप्राइज इमरान जी के बर्थडे का, इनके साथ ये जो बोलेंगे वो कर देंगे, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया, मैंने चलो इनको एक दो बार मना करेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी यही बनाएंगे। फिर मैंने अचानक से ही बाजार में जितना सामान लिया फिर मैंने बोला चलो घर चलते हैं थोड़ी देर कुछ सामान लाना, फिर मैंने बोला ठीक है आज यही बिरयानी बनाएंगे। तब ये बड़े खुश भी हो गए, बोला अच्छा ये था अगर तेरा प्लान, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, सुबह सभी बनाते जैसे जैसे करके बिरयानी बनाएंगे गाइस। केक कल काट लिया था बच्चों ने तो इतना कुछ है नहीं, छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे बस, खुशी है बर्थडे बनाते तो नहीं है लेकिन बच्चों की जो आजकल जो बच्चे हो गए छोटे मोटे वो बच्चे बोलते हैं हवा पापा का बर्थडे है ये है वो ऐसा ही, घूमने बाहर नहीं गए घर में ही रहे, तो इनको घर में ही खुशी मिलती है इमरान जी को, जब तक जो इनको खुशी मिलती है वही हमने कर लिया बस। सब चलते हुए नीचे बिरयानी बन गई, मेरा रूम है गाइस देखिए कितना गंदा हो गया, पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ आपको, तो मतलब इतना बारिश में तो पूरा गीला गीला हो जाता है। कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, मुझे शॉप भी संभालनी है, तो चलो चलते। ये देखिए गाइस चिकन वगैरह बहन ने सब कुछ तैयार करके रख दिया है, मिर्ची टमाटर चावल, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, चाय भी बना दी।
चाय गरम करते हैं। ये देखिए इमरान जी यहाँ सो रहे हैं और मुझे निकालना है तो मुझे राइस ये सॉरी इमरान जी की ये ले लेते हैं हम भगोना। मैंने भगोना गरम करने को रख दिया धो के, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। यह मेरी बहन अपनी सासू के चुटिया बांध रही है और माँ चाय पी रहा है और मैं यहाँ चाय पी रही और ये ऊपर हो रहा है। अभी ये सूट पहनना मेरे को, बर्थडे किसी और का है और कपड़े किसी और के सिल रहे हैं। घूम घूम गोल गोल राउंड राउंड कर, हैप्पी बर्थडे तो बोलो चाचू को, चाचू ऐसे बोलो चाचू। गिफ्ट क्या दे रही है आज, गिफ्ट क्या देगी चाचू को बता। अच्छा तेरे पास गिफ्ट है, सरप्राइज देगी वो भाई साहब, बड़ी गंदी छोरी है। माइन बेटा क्या देगा गिफ्ट, माइन बेटा ने दे दिया गिफ्ट, दे दिया है पापा को कटिंग करके। और इमरान जी का मोबाइल भी अब बंद होने वाला है, कुछ सरप्राइज देने वाले थे हम, लेकिन हम सबका फ्लॉप हो चुका है ना। 7:44 हो रहे अभी शाम के। बोल हेलो गाइस, ये मेरा चाचू का बर्थडे। हाँ तो सुनाए भी हो गई रेडी, अभी शाही देना है आपको। येलो में और ये साथ में इतने बढ़िया बढ़िया दिल है पिंक कलर के। अरे इसके अंदर का देखो ना, मैं ब्लू कलर में लिखा हैप्पी बर्थडे माय डियर डैडी। ओ माय गॉड, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। क्या होगा पहले आइडिया लगाओ क्या है इसमें। आई थिंक पहले आइडिया लगाओ क्या है इसमें होना चाहिए। देखो दो में से एक चीज होगी, मुझे डेफिनेट पता है। क्या बताओ, एक तो होगी वॉच
या फिर होगी चॉकलेट। कितना बढ़िया रैप करा है वाव। ये देखिए बेचारी कितना प्यारा लिख के लाई थी और ऐसे पेरेंट शिशु फोल्डिंग। ये देखिए और ये अनबॉक्सिंग हो गई। इसमें है डेरी मिल्क। धीरे धीरे ओपन हो रहा है गाइस। ये देखिए देखते हैं आप नजरे मत हटाइएगा। इतनी प्यारी चॉकलेट लग रही है मुझे। डेरी मिल्क की सबसे बढ़िया जो वर्जन है वो दिखाया हुआ ये डेरी मिल्क कैडबरी की है और चॉकलेट इसमें कैलोरी 106 है 407। अच्छा प्रमोशन नहीं करना कैडबरी वालों का। जब पैसे मिलेगा तब प्रमोशन करना है। ये देखिए ठीक है ठीक है ठीक थैंक यू तो बोल रहे दो। ओहो ओहो प्यारी बच्ची। तो गाइस मीसा ही खा लेगी है लेकिन मीसा लड़ाई कर रही दिन भर। बच्ची ने पता तुम्हारे लिए कितने पैसे बेले करे थे। एक घंटे के अंदर अंदर बच्ची ने बना के लाई है। क्या लाई अंशु तू? मेरे चाचू का बर्थडे। किसके लिए लाई है? चाचू गिफ्ट लो। आवाज बंद करना टीवी के। ओहो बेचारी कितना अच्छा रैप करके लाई सिंपल सा। ब्लैंक कागज में एक रैप करके लाई इतना प्यारा गिफ्ट। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। माशाल्लाह ये देखो ये क्या है। ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करी इसने ऐसे रैप करके लिया। बेचारी ले के आई खुद चल के। मेहनत तो बहुत करी है इसने। अभी 10 मिनट पहले इसका एकदम प्लान बना है। और ये देखो तो वो भी ये देखो वाओ ये प्यारी पहली लेके। अंशु इधर आओ चाचा को चाचू को हग करो। ये हैप्पी नहीं लाई है बेचारी दो लाई है तो एक साथ। अंशु बेटा थैंक यू। अंशु कितनी प्यारी है। ये रीना भाई इसी अम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा। अब तू क्या देगी सनाया? एक बार दे इसको। अब खुद ही खा देगी। ये दिखावा कर रही हो तुम। ये गलत बात है भैया। तो ये था गाइस छोटा सा सेलिब्रेशन और आपके लिए छोटा सा ब्लॉग। तो सब कुछ खाना पीना बन गया था। ये मैं चलती पड़ती गाइस क्योंकि मेरे शॉप ही मतलब खाली मतलब जो मैं अकेली थी तो उसको भी मुझे संभालनी थी। मैं बस बना के और मेरी बहन और मेरा खाना लेके चली गई थी घर। आ गई थी मैं घर क्योंकि मुझे शॉप भी संभालनी थी। योगा था नेक्स्ट से गए। तो इंशाल्लाह आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यही हमारी छोटी मोटी खुशी है जो हमें करना था वो हम गाइस नहीं कर पाए। बस कुछ ऐसी ही परेशानी हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है ताकि कुछ जो सोचते वो पूरा नहीं होता और जो अल्लाह को मंजूर होता गाइस वही होता है। तो ये हो गया तीसरा दिन भी हो गाइस तो कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये हम बच्चे खेल रहे थे मैच। बाय बाय टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए प्यार बाटिए। अल्लाह आप खुश रखे। आप सबकी दुआ कबूल हो। आपको तंदुरुस्त रखे और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और हम सब अच्छे रहें। बस अल्लाह हाफिज़। लाइक चैनल को सब्सक्राइब।